आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तवर। दिल्ली में जिस तरह से कोरोना वायरस की केसेस में कमी आई है, पॉजिटिविटी दर घटी है, उसके बाद एक बार फिर से अनलॉक किया गया है। इस बार अनलॉक 6 में क्या क्या अनलॉक हुआ है और क्या क्या अभी भी बंद है, क्या खुला है, इसके बारे में तमाम जानकारी हम देंगे आपको। आपको बता दें कि कई लोगों को उम्मीदें थी कि जब इस बार अनलॉक का अनाउंसमेंट होगा तो उन्हें रियायत दी जाएगी, खासकर वो लोग जो सिनेमाघर से जिनका व्यवसाय जुड़ा हुआ है या फिर स्पा से जिनका व्यवसाय जुड़ा हुआ है, उन्हें काफी उम्मीद थी, लेकिन उनकी उम्मीद इस बार भी पूरी नहीं हो पाई है। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि जब अनलॉक 6 का इस बार अनाउंसमेंट हुआ तो उसमें क्या रियायत दी गई। तो राजधानी में अनलॉक 6 सोमवार यानी कि 5 जुलाई से 12 जुलाई तक लागू रहेगा और इस दौरान जो रियायत होगी वो आपको बता दें कि सोमवार सुबह से ही लागू हो जाएगी। अनलॉक 6 में मिली रियायत, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम को सभी के लिए खोलने की इजाजत होगी, लेकिन दर्शकों को आने की अनुमति नहीं होगी। इससे पहले भी दिल्ली में स्टेडियम या फिर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलने की इजाजत थी, लेकिन उसके लिए दो कंडीशन लगी हुई थी, जिसमे उन लोगों को ट्रेनिंग के लिए इजाजत थी जो किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स इवेंट में हिस्सा लेने वाले हैं, और राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स इवेंट आयोजित करने के लिए इजाजत थी। तो अनलॉक 6 में इस बार कुछ खास रियायत नहीं दी गई है, सिर्फ उन खिलाड़ियों के लिए रियायत दी गई है जिन्हें स्टेडियम जाकर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाकर ट्रेनिंग करनी है और तैयारी करनी है अपने इवेंट्स की। लेकिन क्या क्या बंद रहेगा वो आपको बताते हैं। सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे, स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, कोचिंग, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सब बंद रहेंगे। इसके अलावा सभी सामाजिक, राजनीतिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, सांस्कृतिक त्योहारों से संबंधित आयोजनों पर पाबंदी रहेगी। स्विमिंग पूल बंद रहेंगे, सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स भी बंद रहेंगे, एंटरटेनमेंट पार्क, एम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क बंद रहेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल भी बंद रहेंगे, बिजनेस टू बिजनेस प्रदर्शनी और स्पा सेंटर भी बंद रहेंगे। तो अनलॉक 6 में ये तमाम चीजें जो थी उन्हें भी रियायत नहीं दी गई है, वो सब बंद रहेंगी। इसके अलावा जो चीजें पहले से जिन्हें रियायत दी गई है वो वैसे ही रहेगी, वो ऑर्डर वैसे ही रहेगा। आपको बता दें कि स्पेशली अगर हम बात करें थिएटर और जो स्पा सेंटर है, उन्हें काफी उम्मीदें थी कि पिछली बार जिस तरह से जिम को रियायत दी गई थी, दिल्ली में जिम ओपन हो गए हैं, इसके अलावा जिस तरह से सलून्स ओपन हो गए थे, उसके बाद लग रहा था कि आने वाले वक्त में स्पा सेंटर को भी रियायत दी जाएगी, लेकिन अभी भी इन तमाम चीजों को रियायत नहीं मिली है। जिस तरह से अभी अगर हम कोरोना की बात करें तो दिल्ली में केस काफी कम है और पिछले करीब एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि 100 के आसपास ही नए केसेस दिल्ली में आ रहे हैं। एक्टिव केसेस की संख्या भी काफी कम हो चुकी है, 1000 के नीचे एक्टिव केसेस हो चुके हैं। ऐसे में अब उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक्त में जिस तरह से कोरोना का ट्रेंड दिखाई दे रहा है दिल्ली में, केसेस कम हो रहे हैं, उसके बाद ये जो ट्रेंड है और भी नीचे की तरफ जाए, यानी कि और भी केसेस जो है वो कम होते हुए नजर आए, और इसी के बाद देख सकते हैं कि आने वाले वक्त में जिस तरह से स्थिति रहेगी उसको एनालाइज करते हुए, उसको ऑब्जर्व करते हुए DDMA और दिल्ली सरकार और रियायत दे। दिल्ली NCR से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।